इस गर्मी में सबका हाल बेहाल है। कुछ लोग पहाड़ पे घूमने जा रहे हैं तो कुछ लोग बर्फीले इलाके पे। चूंकि मेरा होम टाउन आसनसोल एरिया में ही पड़ता है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को आसनसोल के कुछ ऐसे प्लेसेस पे घुमाने वाला हूँ जहाँ पे आप गर्मियों के मौसम में अपने फैमिलीज के साथ में, अपने दोस्त के साथ में या फिर एज अ कपल भी चिल आउट कर सकते हो, बहुत देर तक बैठ सकते हो, बहुत सारा इंजॉय कर सकते हो। तो बिना किसी देर के चलो चलते हैं और सीधा करते हैं एक्सप्लोर। सो, मैं अपने सबसे पहले लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जिस जगह का नाम है ब्लू फैक्ट्री माइंस। और इस जगह को आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है, जो कि अभी मैं आपको बैक कैमरे से बारीकी से सभी कुछ दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है दिखने में। और ये एक छोटा सा टापू टाइप में दिख रहा है और जस्ट उसके ऊपर आप देख सकते हो सूरज चाचू को, जो कि सूर्य अस्त अभी होने ही वाला है। और यहाँ पर बहुत ही कमाल का प्यारा सा लोकेशन, बहुत ही सुंदर तरीके का लग रहा है दिखने में। चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में कुछ इस टाइप का टापू है। ब्लू फैक्ट्री माइंस आसनसोल बस स्टैंड से लगभग 4.3 किलोमीटर और आसनसोल रेलवे स्टेशन से 4.4 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहां आप अपने पर्सनल व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर से आ सकते हो। वैसे मैं सारे प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट करके इजीली आ सकते हो। वैसे इस जगह का खासियत ये है कि यहाँ का पानी जो है वो ब्लू है। एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ से, इस खदान से कोयला निकाला जाता था, उसके बाद फिर कोयला निकालना बंद हो गया, वाटर लेवल अप हो गया और उसके बाद से पानी भर के कुछ इस तरीके का नज़ारा हो गया। और यहाँ का पानी बहुत ही ब्लू है और इसी को देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं। और बहुत सारे फैमिलीज आती हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, चिल आउट करते हैं। तो अगर आप भी आसनसोल या आसनसोल के अगल बगल बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सा प्लेस होने वाला है जहाँ पे आके आप चिल आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फ्रेंड यहाँ पे मिलजुल के आए हुए हैं। कहाँ से आए हो भाई आप लोग? हम लोग बुधा से आए, आसनसोल। अच्छा, आसनसोल से आए हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए हो या फिर इससे पहले भी आ चुके हो? एक बार आ चुके हैं। एक बार आए थे और दोबारा यहाँ पे आ रहे हो। मतलब कि इतना अच्छा लगा तुम लोगों को ये लोकेशन? तो काफ़ी कमाल का भी वेदर किया हुआ है और आसमान का भी जो कलर है वो काफ़ी कलरफुल हो चुका है, जिस कारण से बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब कि और भी चार चांद लगा दिया है इस जगह को, इस लोकेशन को, इस आसमान ने। ये पार्क बनपुर रिवर साइड में सिचुएटेड है, जिसे हम लोग नेहरू पार्क या लेमिया पार्क के नाम से भी जानते हैं। आसनसोल से इसकी दूरी 10 किलोमीटर और बनपुर से लगभग 6.5 किलोमीटर है। अगर आप आसनसोल से आना चाहते हो तो आपको आसनसोल बस स्टैंड से बनपुर रिवर साइड का बस पकड़ना पड़ेगा। वहीं आप बनपुर से आते हो तो बनपुर बस स्टैंड से बस पकड़ना पड़ेगा। वैसे आसनसोल और बनपुर से बहुत सारी टोटो गाड़ियाँ मिल जाएगी, जिसे आप रिजर्व करके भी आ सकते हो। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे ही आप इस पार्क में एंट्री करते हो, आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ गार्डनिंग है, बहुत सारे ट्रीज लगे पड़े हैं और आपको इधर से भी जाने का रास्ता मिलेगा, इधर से भी रास्ता है। और इस साइड से जाते हो तो इस साइड से भी आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पहले इस रास्ते से होकर अंदर चलते हैं और आप लोगों को सभी कुछ दिखाते हैं। यहाँ इस जगह पे देखो, कपल्स बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कपल्स के बैठने के लिए जगह बनाए गए हैं। और चारों तरफ आप नज़र घुमा के देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे और यहीं पे कपल्स लोग जो है इजीली आराम से बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। नेहरू पार्क के बगल से ही आपको दामोदर रिवर देखने को मिल जाएगी, मतलब दामोदर रिवर जो है इसके बगल से ही क्रॉस करती है। और यहाँ पे आप क्राउड देखो, यहाँ पे भीड़ भाड़ देखो फैमिलीज़ का। ये रहा बच्चों का चिल्ड्रेन पार्क, जहाँ पे ढेर सारे फैमिलीज़ और ढेर सारे चिल्ड्रेन हैं जहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नज़र घुमा के देखो तो एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जिसको बहुत ही वेल मेंटेन किया गया है।
तो स्वागत है भैया आपका नेक्स्ट लोकेशन पे, जिस जगह का नाम है रामकृष्ण मिशन मंदिर, जो कि एक मंदिर है, लेकिन यहाँ पे आके आप बहुत देर तक बैठ सकते हो, जो कि आरती का टाइम पे होता है शाम को, और ये मंदिर सुबह को खुल जाती है, शाम तक खुली रहती है, और यहाँ पे आप और आपके फैमिली आ करके बहुत सारा इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। यहाँ पे बहुत तरह तरह के गार्डनिंग किए गए हैं, तरह तरह के फ्लावर हैं, तरह तरह के प्लांटेशन यहाँ पे किए गए हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ लगता है दिखने में। रामकृष्ण मिशन मंदिर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में ही सिचुएटेड है। ये मंदिर सुबह को लगभग 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को लगभग 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहती है। वैसे मैं मंदिर के अंदर से घूम के आ गया, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर में कैमरा, मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, और ये मंदिर जो है वो रामकृष्ण परमहंस को डेडिकेटेड किया गया है, इसलिए मैंने अंदर में शूट वगैरह नहीं करा, और अंदर में भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही है। और इस जगह पर आप आओगे तो आई स्वेयर दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल सा महसूस होगा, क्योंकि कुछ इसी तरीके से यहाँ का माहौल जो है वो तैयार किया गया है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ आसनसोल के नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और उस जगह का नाम है आसनसोल सेंट्रल मॉल, मतलब कि ये सिस्टी नगर में सिचुएटेड है। और वैसे है तो ये मॉल, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े सारे एरिया में ये मॉल को बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज आती हैं शाम के टाइम में, रात के टाइम में, यहाँ तक कि लेट नाइट 12, 12:30, 1 बजे रात तक भी बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे चिल आउट करती है। तो चलिए दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। बड़े बड़े अक्षर में यहाँ पे सेंट्रम लिखा हुआ है, और यही सेंट्रम मॉल है, जो कि बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। और ठीक इसके बगल में ही आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग जोन है 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, 3-व्हीलर का। साथ ही साथ ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गार्डनिंग एरिया है, और यही वो एरिया है जहाँ पे फैमिलीज और फ्रेंड्स वगैरह आके यहाँ पे चिल आउट करते हैं, बैठते हैं। और जहाँ ये बैठने का प्लेस बनाया गया है, ठीक उसके बगल में ही एक आर्टिफिशियल झरना तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, जिसमें लाइटिंग का काम है और लगातार झरना जो है अपना काम कर रही है, मतलब कि बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लग रहा है दिखने में। क्योंकि ये एक मॉल है, इसी के वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के दुकान, रेस्टोरेंट, सिनेमा थिएटर मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक पब भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप खाने पीने के साथ साथ डीजे में भी डांस कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ बनपुर गैलेक्सी मॉल, जो कि आसनसोल एरिया में ही पड़ता है। शाम के वक्त कुछ इस तरीके का नज़ारा है बनपुर गैलेक्सी मॉल का, जो कि आसनसोल एरिया में पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी सारे प्लांटेशन किए गए हैं, लाइटिंग वगैरह है, और ये इस मॉल का जो है एंट्री गेट है। भीड़ भाड़ आप देख सकते हो। वैसे तो ये मॉल सेंट्रल मॉल के जितना बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही इस मॉल में आप एंट्री करोगे, आपको ढेर सारे कुछ इस टाइप के बैठने के लाइन मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे कपल्स बैठते हैं और यहाँ पे चिल आउट करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े एरिया में तो फैला नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा जो है गार्डनिंग यहाँ पे भी किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मॉल बनपुर चित्रा के पास सिचुएटेड है। इस मॉल में भी काफी सारे ब्रांड्स के दुकान, काफी सारे खाने पीने के दुकान आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, इफ़ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, देन मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।